वाह, कितने आराम से नींद ली जा रही है। ओ महारानी, खड़ी हो जा, काम नहीं करना है क्या? माँ को तो खागी, मेरी छाती पे मूंग दलेगी अब बैठ के। सारा दिन सोने का काम है इसको, खड़ी होके काम कर ले। ओ मैडम, कितना टाइम लगने वाला है तुझे इस पोचे में? जी माँ, हो गया। इसको करके अलमारी भी साफ करनी है, जल्दी करके आ जा। 2 घंटे से इसका एक पोचा ही लग रहा है बस। और आजकल तो सफाई ठीक से नहीं करती है। वो देख पोचा कैसे लगाया, सारे निशान पड़ रहे हैं वहां पे। एक भी काम ढंग से करती है तू? माँ को तो खा गई, अब मेरे सिर पे पड़ी रहे बोझ बन के। कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। और आजकल तो मेरी अलमारी में भी कपड़े ढंग से तय नहीं लगाती है। इसको दोबारा साफ कर, खाने में तो सबसे ज्यादा चाहिए। ये देख कैसे किया तुमने, ये देख क्या है ये। इसको दोबारा साफ कर, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी आज तेरी। और आज खाना तो खाना ढूंढती है खाना खाने को। थैंक यू।
और इनको भी अच्छे से करना। और ये भी कपड़े अच्छे से तय लगा करके रख देती हूं। ये तो अच्छे से तय कर दिए थे मैंने। बस माँ एक ही बात सिखा के गई है, बस बड़ों के सामने जबान चलाना। जबान तो तेरी कैची की तरह चलती है, इतने हाथ भी चला लिया कर काम में। अच्छी तरह से कर दे, नहीं तो हाथ तोड़ के रख दूंगी तेरे मैं आज। जबान तो कैची की तरह चलती है इसकी। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ही ले जाती माँ, मेरा यहाँ बिल्कुल दिन नहीं लगता माँ। छोटी माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। दीदी आप बिस्कुट खा लो, सुबह से रुक के आप काम करिए। चीकू ये तू क्यों लाया? मम्मी ने देख लिया तो बहुत डांटेगी तेरे को भी। बहुत आराम से सो रही हो तुम। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही हूं। ये क्या कर रही हो तुम उस बच्ची के साथ? क्या मतलब? मैंने क्या किया है? वाह कितनी भोली बन रही हो। उस बच्ची को इतना परेशान करके तुम कह रही हो तुमने क्या किया? उसके साथ ऐसा क्यों ना करूं? वो मेरी सौतेली बेटी है, सगी बेटी नहीं है वो मेरी। वो तुम्हारी सौतेली बेटी है तो फिर क्या हुआ? वो भी तो किसी की बेटी है और तुम भी तो किसी की बेटी हो। उसको इतना परेशान करके तुम्हें आखिर क्या मिलेगा? अगर तुम्हारे बेटी होती और उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो तुम्हें क्या लगता तुम्हारे दिल पर क्या बीतती अगर उसे कोई इतना परेशान करता तो? शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें बेटी नहीं दी है, क्योंकि तुम्हें बेटियों की कदर ही नहीं है। तुम्हें तो उसको प्रेम प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ एक बेटा है, बेटी नहीं है। तुम्हारे अंदर माँ का दिल है या नहीं है? तुम उसे कितना परेशान करती हो पर फिर भी वो तुम्हें माँ माँ कह के बुलाती है। अरे कैसी माँ हो तुम? मुझे शर्म आती है तुम्हारे ऊपर। एक औरत होके तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो एक लड़की के साथ, मुझे शर्म आती है तुम्हारे ऊपर। नहीं तो औरत में भगवान ने इतनी ममता दी हुई है, भले ही बच्चे अपना हो या पराया हो, उसको माँ एक ममता की नजर से ही देखती है। पर तुम्हारे अंदर तो शायद ममता रही ही नहीं है। शायद तुम सही कह रही हो, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे बेटी नहीं दी,
क्योंकि शायद मुझे बेटियों की कदर ही नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं उससे जाके भी माफी मांग लूंगी और उसको अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। और तुमने उस बच्ची के साथ जितना अत्याचार किया है, तुम्हें उस पाप का पश्चाताप तुम्हें करना होगा, शायद तभी भगवान तुम्हें माफ करेगा। ये क्या था? क्या ये सपना था? सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। क्या मैं इतना गलत कर रही थी? कैसी माँ हूं मैं? अगर कोई मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसा करता तो मेरे दिल पे क्या बीतती? शायद सपने में मुझे यही समझाने की कोशिश की है उसने। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक माँ और एक बच्ची का दिल, दोनों का दिल दुखाया है। मुझे क्षमा कर देना भगवान। चलो मैं साक्षी से माफी मांग के आती हूँ। साक्षी? हाँ माँ, बस बर्तन मांज के फिर करती हूँ। नहीं बेटा, खड़े हो, वो खड़ी हो जाओ बेटा। बेटा मैंने, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ आज तक जो भी किया बहुत गलत किया। नहीं माँ, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप भी तो मेरी माँ जैसी हो ना, मैंने बुरा नहीं मानना आपका। पर मैंने इतना अत्याचार तेरे ऊपर करती रही तो चुप करके सहती रही बेटा? कोई बात नहीं माँ, एक माँ तो बोल ही देती है। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मानना आपका। आज से तुम ये सब, तुम्हारा काम बंद और तुम कल से स्कूल पढ़ने जाओगी, ठीक है? जी। चल। तो हे गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? और जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक सौतेली माँ अपनी एक सौतेली बेटी पर कितना अत्याचार करती है। बेटी अपनी हो या पराई, बेटी तो बेटी होती है, इतना अत्याचार उस पे ना करे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये मैसेज सभी तक पहुंचाएं कि बेटी अपनी हो या पराई, बेटी बेटी ही होती है। और आप ये हमारा मैसेज शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।